हेलो गाइज, मैं अंकुर आप सभी का स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो में। इस वीडियो में गाइज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ सारे मेन लाइन 8 IPOs के बारे में, जैसे कि मुथूट माइक्रोफिन हो गया, मोतीसर ज्वेलर्स हो गया, आरबीजेड ज्वेलर्स हो गया, क्रेडो ब्रांड्स, हैप्पी फॉर्जिंग, सूर्य स्टेट डेवलपर्स, आजाद इंजीनियरिंग, इन सब के बारे में, इन सब के ग्रे मार्केट में बताऊंगा आपको, लेटेस्ट डिटेल्स अपडेट्स बताऊंगा। और साथ में गाइस कुछ आईपीओ से जीएमपी फिर से एक बार गिरते दिखे हैं, कुछ के तो स्टेबल है लेकिन कुछ के जीएमपी फिर से गिरते दिखे हैं, तो वो भी आपके साथ साझा करने वाला हूँ कि ऐसा क्यों हुआ है। साथ में आपको लेटेस्ट जीएमपी तो बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी समझ में आ सके और आप इस दी हुई जानकारी का फायदा उठा सको और अपने लिए एक सेफ डिसीजन बना सको इन 3 IPOs में जिनकी है कल लिस्टिंग, मोतीसन ज्वेलर्स, मोदन माइक्रोफिन और सूर्य स्टेट डेवलपर्स। यहाँ पे इस थंबनेल भी लगा दे रहा हूँ, इन तीनों का मैंने 2 अलग अलग वीडियोज में लिस्टिंग की स्ट्रेटजी डाल दी है, जिसमें मैंने बता रखा है सब कुछ क्या करना चाहिए आपको, मोतीसन ज्वेलर्स हो गया या सूर्य स्टेट हो गया या फिर मोदन माइक्रोफिन हो गया, होल्ड करना है, सेल करना है, बाई करना सही रहेगा नहीं रहेगा सब कुछ। तो गाइस वीडियो आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अब गाइस आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पहले नंबर पे मोतीसन ज्वेलर्स के बारे में, क्योंकि कल लिस्ट होने वाला है। गाइस इसकी लिस्टिंग डेट 26 को रहने वाली है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि लिस्टिंग डे वाले दिन मैं आता हूं लाइव, तो इसके लिए भी लाइव आऊंगा। आपको लाइव ज्वाइन करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही लाइव आऊं आपको पता चल सके कि मैं लाइव आया हूं और आप ज्वाइन कर सको। इन सारे आईपीओस के अलावा भी कई सारे वहां पे आईपीओस के डिस्कशन होती है, कई सारी चीजें आपको सीखने को भी मिलेगी, ठीक है। तो यहां पे गाइस मोतीसन ज्वेलर्स का जो करंट में ग्रे मार्केट में है, वो हमें जो इसका भी रिसेंट लो था उससे थोड़ा सा बढ़ता दिखा है। करंट में 60 रुपए तक की डिमांड निकलती दिख रही है, 60 के हिसाब से देखोगे करीब 120% गेन अप्रोक्सीमेटली होता है। जो गाइस नेक्स्ट आईपीओ है वो मुथूट माइक्रोफिन, इसका भी डाली दिया है मैंने, को बता ही दिया, जाके देख लेना। मुथूट माइक्रोफिन का जो जीएमपी वो स्टेबल है, करंट में जीएमपी 25 से 30 रुपए के आसपास निकलता दिख रहा है, जिसके हिसाब से हमें करीब 10% गेन अप्रोक्सीमेटली होता है। लिस्टिंग कल के दिन यानी 26 को ही होनी है। जो नेक्स्ट आईपीओ गाइस सूर्य स्टेट डेवलपर्स, इस आईपीओ का जीएमपी है वो भी स्टेबल है, 12-15 रुपए के आसपास की डिमांड यहां पे निकलती दिख रही है, इसकी भी लिस्टिंग कल के दिन है। इसके हिसाब से देखोगे करीब 4-4.5% गेन होता है अप्रोक्सीमेटली। गाइस जो नेक्स्ट आईपीओ है वो क्रेडो ब्रांड्स, क्रेडो ब्रांड्स का अलॉटमेंट आपको पता चल चुका होगा, लेकिन अब होनी है इसकी लिस्टिंग जो कि है 27 दिसंबर को इसकी लिस्टिंग, ठीक है। इसके साथ गाइस हैप्पी फॉर्जिंग और आरबीजेड ज्वेलर्स भी लिस्ट होने वाला है, मतलब उसकी डेट भी सेम है। तो गाइस यहां पे क्रेडो ब्रांड्स का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है ये भी हमें स्टेबल देखने को मिल रहा है, करीब 100 से 105 रुपए के आसपास का जीएमपी निकल रहा है, जिसके हिसाब से करीब 37-38% गेन अप्रॉक्सिमेटली होता है। तो यहाँ पे भी स्टेबल से डिमांड है, जो आईपीओ का जीएमपी गिरा है वो अब इसके बाद आने वाला है। तो गाइस अगला आईपीओ डिस्कस करने से पहले बता दूं कि अब तक आप इस चैनल पे नहीं जुड़े हो तो देख लो आपने क्या क्या मिस किया, बढ़िया बाय निफ्टी कॉल, बढ़िया इंट्राडे लेवल्स, उसके साथ ही गाइस बढ़िया कई सारे स्विंग लेवल्स, पोजिशनल लेवल। तो यहाँ पे आपको रेगुलरली इस तरह के शॉर्ट टर्म लेवल, स्विंग लेवल, अलॉटमेंट डिटेल्स, इस तरह का ऑडियो सपोर्ट और निफ्टी में बैंक निफ्टी, स्टॉक ऑप्शन, इंट्राडे, स्विंग कॉल, पोजिशनल कॉल और बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिल जाता है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक नंबर 1 पे है, फटाफट ज्वाइन कर लो। और नंबर 2 पे न्यूज चैनल का, जहां पे आईपीओ के जीएमपी सब्सक्रिप्शन इंपॉर्टेंट न्यूज मार्केट की आती है, ठीक है। नंबर 1 वाला ये चैनल है, नंबर 2 का न्यूज चैनल, दोनों को ज्वाइन कर लो। और साथ में इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हो, 3 नंबर का लिंक है, काफी काम का आपके, ठीक है। आपके सामने मैंने सारी चीजें दिखाई दी, यहाँ पे इस तरह के जैकपॉट गेन वाली कॉल भी मिलती है, 400-500 पॉइंट तक का गेन, ठीक है। तो जो अगला आईपीओ गाइस वो है आरबीजेड ज्वेलर्स। आरबीजेड ज्वेलर्स में हमें माइनस में डिमांड देखने को मिल रही थी, कहीं कहीं आप देख रहे होगे तो 0 है, बट एक्चुअल में यहाँ पे 1.5-2 रुपए के आसपास में लोग सेल करने को तैयार हैं, तो इसको हम माइनस में डिमांड कहते हैं, ठीक है, आरबीजेड ज्वेलर्स का। तो इसका भी जीएमपी गिरा ही एक तरीके से कह सकते हो। इसकी जो लिस्टिंग है बता दिया मैंने, क्रेडो के साथ ही होनी है। हैप्पी फॉर्जिंग का भी सेम सिचुएशन है, इसका भी जीएमपी गिरा है और लिस्टिंग क्रेडो की तरह डेट सेम है, 27 को होनी है, ठीक है। तो इसके लिए भी लाइव आऊंगा, लिस्टिंग स्ट्रेटजी भी दूंगा आपको क्या करना है। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लोगे तो जैसे ही वीडियो डालेंगे आपको पता चल जाएगा और अपने लिए एक सेफ और बढ़िया डिसीजन आप बना पाओगे। फिलहाल गाइस हैप्पी का जो ग्रे मार्कर प्रीमियम है वो हमें कम होता दिख रहा है, अभी 285-290 के पास निकलता दिख रहा है, जिसके हिसाब से करीब 34-35% गेन अप्रोक्सीमेटली होता है, ठीक है। तो यहाँ भी जीएमपी गिरा है, 300 के ऊपर की डिमांड अच्छी खासी थी बट गिरता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे गाइस जो अगला आईपीओ है वो है आजाद। आजाद का भी जीएमपी हमें गिरता दिखा है, करंट में इसका जीएमपी 290 से 300 के आसपास निकल रहा है और 300 रुपए तक था इसका जीएमपी, मतलब इसके ऊपर ही था बट 300 को तोड़ दिया है, तो एक नेगेटिव बात यहाँ पे कह सकते हो। फिलहाल जीएमपी जो गिर रहा है, आईनॉक्स की लिस्टिंग के बाद मूड माहौल खराब
हुआ और मार्केट के फेयर में गिर रहा है, तो कुछ ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। इसका अलॉटमेंट भी आना है, अलॉटमेंट चेक करना नहीं आता है तो आप चेक कर सकते हो, एक वीडियो थंबनेल लगा दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देखना, उसमें सब कुछ बता रखा है। साथ में आईपीओ का रिफंड वाली बात भी बता रखी कि रिफंड नहीं आया तो क्या करें, कैसे हो सोल्यूशन, कैसे जल्दी आए रिफंड, वो सब कुछ ठीक है। तो वही एक ही वीडियो में दोनों चीजें बता रखी है। तो फिलहाल इस अलॉटमेंट के बाद हो सकता है इसका जीएमपी सुधर जाए। फिलहाल आजाद इंजीनियरिंग का जो जीएमपी है वो 300 से नीचे आया, ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट लग रहा है। इनोवा कैपिटल का इसका है लास्ट डेट, इसके ऊपर भी एक वीडियो कर दी है कि लास्ट डे पे अप्लाई करना सेफ होगा नहीं होगा, क्या है इसमें सेफ्टी पॉइंट, क्या है रिस्क, सब कुछ बता दिया है, तो आप जाके देख सकते हो। फिलहाल एक बार आप डेट देखना चाहो तो आपके सामने है, 21 को ओपन हुआ था, 26 को क्लोज होगा, 27 को अलॉटमेंट, 29 को लिस्टिंग डेट। इस साइड पर जीएमपी है ये भी गिरता दिखा है, 160 रुपए तक का रिसेंट हाई था, 200 रुपए इसका मैक्सिमम हाई था और जो लो था वो करीब 90-95 रुपए के आसपास का था, ठीक है। तो यहाँ पे जो जीएमपी गई इस करंट में वो 135-140 के पास निकलती दिख रही है, जिसके हिसाब से करीब 31% अगेन अप्रॉक्सिमेटली होता है इनोवा कैपटप का। इसको लेकर करीब 8 आईपीओस हो गए, इन सबकी डिटेल्स मैंने आपको दे दी है। अगर जो आपको कुछ लगता है कि मुझे पूछना चाहिए ये रह गया तो कमेंट सेक्शन का ऑप्शन ऑन है, बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा आपके रिप्लाई देने की, कमेंट करके पूछ सकते हो। साथ में गई सपोर्ट जरूर करना, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और पॉजिटिव कमेंट्स करके। मिलते हैं अगली वीडियो में, करते वीडियो, थैंक यू वॉचिंग गाइस, प्लीज स्टे हेल्दी एंड बाय बाय फॉर नाउ।